अच्छा एक सनी डे और हम लोग आए हैं फन राइड्स में, जो कि वाटर पार्क है, छोटे छोटे से राइड्स भी हैं, बड़े बड़े राइड्स भी हैं जहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखिए यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपको पूर्व जो ट्यूब है खुद लेके ऊपर जानी है, उठाइए और ऊपर जाइए और फिर वो राइड को एंजॉय कीजिए। मैक्सिमम राइड्स यहाँ पे मैं बोलूँगी जो वाटर जो ट्यूब वाली थी वो थी, काफ़ी लंबी लंबी ट्यूब्स थी। ये देखिए यहाँ पे ओपन में वाटर का जो एक रहता है जहाँ पे आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं, रेन डांस रहता है, वो सब था यहाँ पे जो हमने एंड में मैं गई थी। और यहाँ पे ये देखिए सबसे ज़्यादा ट्यूब वाली है जो मैंने आपको बोला, लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, बहुत ही नैरो ट्यूब्स भी हैं। हाँ अगर आप मुझे पूछेंगे भाई मुझे बहुत डर लगता है तो मैंने तो इनमें से कोई राइड नहीं ली। बैठने का अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, काफ़ी जगह शेड्स बनाए हैं, लॉन्च टाइप का फीलिंग दिया है। आपको प्री बुकिंग करना है ऑफकोर्स, बट बैठने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो ये देखिए शेड्स हैं यहाँ पे। सो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में लोग वन डे पिकनिक के हिसाब से भी आते हैं, घर से सारा खाना लेके आते हैं, टेंट बना के, शेड्स लेके, अपना चादर वादर लेके, सब कुछ लेके आप एज ए पिकनिक आ सकते हैं। घर से खाना लाइए, ड्रिंक्स लाइए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और यहाँ शेल्टर्स भी हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें इन शेल्टर्स को भी आपको बस ये है कि ये सबको प्री इन सब शेल्टर्स को प्री बुक करना पड़ता है ताकि आपको स्पेस मिल जाए, आप ऐसे ही नहीं आ सकते। बाकी जो ओपन स्पेस है वहाँ पर तो आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ये है स्लो पाथ वॉक, यहाँ पे आप आराम से आपके हाथ में स्पीड है जितना आप कह रहे वैसे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर भी जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप स्लोली स्लोली ऊपर जाइए और वहाँ से आप फास्ट जितना आपको आना है वो नीचे आइए। और ये थी वन ऑफ द स्केरीएस्ट वन राइड, ओ माय गॉड देखिए कितना ऊपर जाती है और ये 360 डिग्री है भाई, ऐसा नहीं है कि आप ऑल्टरनेट देख रहे हैं। चलिए मैं आपको पास जाके भी दिखाती हूँ और ऊपर जाके ये रुकती भी है, ओ माय गॉड मुझे तो वैसे नॉर्मल राइड से भी इतना डर लगता है। ये तो भाई किसी ने अगर ये राइड ली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपकी फेवरेट राइड्स कौन सी, अगर आप कोई भी वाटर पार्क या कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं तो। और इसके अलावा कार रेसिंग भी वन ऑफ द माय फेवरेट है, बट हाँ मैंने कोई राइड नहीं ली, एंड में बताऊंगी कौन सी राइड ली मैंने। और तब तक मैं आपको बता दूं इसका जो है आई विल सजेस्ट प्री बुकिंग कीजिए, मैं इसकी जो वेबसाइट है वो मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इनके बहुत सारे पैकेजेस हैं जिसके आप प्री बुक करके आ जाइएगा। टिकट्स की बात करें तो बहुत सारी रेंज है, जैसे चाइल्ड के लिए 45 AUD है, बड़ों के लिए 60-66 है, और इसमें VIP पासेस भी हैं। जैसे आपको पता होगा VIP अगर आप लेंगे तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा टर्न कोई भी राइड में, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो सब आपको वहाँ मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया शेल्टर्स का, वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा, वो भी अगर आपको लेना है तो आप वो पैकेजेस में जाके देख सकते हैं। रेंज डिफर्स डेफिनेटली 45 AUD से लेके 100 AUD तक है, तो इट डिपेंड्स आपको कैसा चाहिए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यस यहाँ पे कैंटीन्स भी, अगर आपको खाना नहीं खुद से बनाना तो आपको कैंटीन ऑप्शन भी मिल जाएगा जहाँ पे आप खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं।
सो जैसे कि अभी यहाँ समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में बहुत लॉन्ग सनी डे रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा, और वाटर पार्क जैसी जगह में तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा। तो आप आके भी, आपको जैसे हमने कोई प्री बुकिंग नहीं की थी, हमने आके टिकट्स ली, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो प्री बुक करेंगे तो आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली विजिट मेलबर्न। सो एंड में हम आ गए थे किड्स जोन में, जहाँ पे छोटी छोटी राइड्स होती हैं छोटे बच्चों के लिए, मतलब आई विल से 12 टू 13 ईयर्स तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने थोड़ा सा डेयर करके बोला चलो ये राइड्स तो मैं ले ही लेती हूँ, और फाइनली मैंने कुछ राइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ राइड्स मैंने ली, क्योंकि इनका जो मतलब जो स्पीड रहता है और ऑल्सो जो इनकी हाइट रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा कम स्केरी था। और जैसे मैंने राइड ली, जैसे आप देख सकते हैं मुझे बहुत मज़ा भी आया, तो फाइनली आई टुक सम राइड्स इन द एंड। सो फ्रेंड्स, इंडिया में भी ऑफकोर्स बहुत बड़े बड़े वाटर पार्क्स हैं, मैंने सुना है। मैं सिर्फ मैजिका गई हूँ जो कि पुणे मुंबई हाईवे पे पड़ता है, इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि मैं राइड्स लेती नहीं तो मेरा इतना एक्सप्लोर होता नहीं है। बट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कौन कौन से वाटर पार्क्स एक्सप्लोर किए हैं और आपका फेवरेट कौन सा है। तो बस इसी के साथ आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।